जब अमेरिका की धरती पर हूँ। California State Assembly welcomes His Holiness Achira Lokesh Muni. Jainism is rooted in nonviolence, peace, and harmony, and that's really what the tradition stands for above all else. And Jain teachings can be applied to many of the societal issues we face today, including climate change, the depletion of natural resources, economic disparities, and discrimination. लोकेश पुरी जी ने स्वयं लगभग 20,000 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा की है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं स्टार सवेरा। आज स्टार सवेरा के प्रोग्राम में कहा जाए, आज के एपिसोड में बहुत ही खास मेहमान है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश दुनिया में आपका नाम और कहा जाए आपको सुनने वाले, आपके चाहने वाले हर जगह मिल जाते हैं। पूरे भारत में कहा जाए, पूरे विश्व में कहा जाए, आप जिस तरीके से शांति का प्रतीक हैं, जिस तरीके से आप शांति के लिए जो आप काम कर रहे हैं, पीस हार्मनी के लिए जो आप काम कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही कहा जाए वंदनीय है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर आचार्य लोकेश मुनि जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी प्रभु, स्टार भी जिस तरीके से आपकी जो यात्रा हुई, जिस तरीके से यूएस में आपको सम्मान किया गया है, उस पर क्या कहना? देखिए, अमेरिका की ये एक शांति सद्भावना यात्रा थी और इस यात्रा के अंतर्गत इस साल दो यात्राएं रही। पहली यात्रा के दौरान जहां एक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, वहीं कैलिफोर्निया की असेंबली में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का, उनके 2550वें निर्वाणोत्सव के वर्ष के अंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसी तरह से लंदन पार्लियामेंट में भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस बार की यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मैंने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया सैन फ्रांसिस्को के निमंत्रण पर उसे संबोधित किया। जैनों का एक महाकुंभ मेला हर दो साल में लगता है, अगले साल शिकागो में वो आयोजित होने जा रहा है, तो उसकी प्री सबमिट जो है वो शिकागो में आयोजित थी, उसमें भाग लिया। और अमेरिका के अंदर 70 जैन सेंटर है, तो जब जाना होता है तो अलग अलग सेंटरों में प्रवचन का कार्यक्रम रहता है और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये तमाम संस्थाएँ जो हैं इनके अंतर्गत बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी कैलिफोर्निया में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस आयोजित थी, उसमें भाग लिया। उसके सिवाय वहाँ की सिटी काउंसिल ने भी सम्मानित किया। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि हमारा भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है, जो सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामय का जो संदेश है, उस संदेश को फैलाने के लिए कोविड काल के बाद में भारतीय जीवन शैली के प्रति एक नया आकर्षण उत्पन्न हुआ है, जैन लाइफ स्टाइल के प्रति लोगों में एक नया रुझान पैदा हुआ है, तो उस सब को देखते हुए ये एक सही समय है कि हम भारत की महान विरासत को, और योग भी भारत की प्राचीन विरासत है। मैंने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निवेदन किया, जब पहली बार प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मुझे यूएन हेडक्वार्टर से संबोधित करने का अवसर मिला तत्कालीन विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज के निमंत्रण पर, और उस समय यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य श्री श्री रविशंकर जी आदि दुनिया की तमाम शख्सियतें उपस्थित थी। मैंने निवेदन किया कि ये योग कितनी प्राचीन विरासत है, उसका एक उदाहरण काफ़ी है। मैं जिस जैन परंपरा से आता हूँ, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो हैं, भगवान ऋषभ से लेकर महावीर तक, सारी प्रतिमाएं ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है, ये इसका साक्षात प्रमाण है। और पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूएन क्वार्टर हेडक्वार्टर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भाग लिया, और अगले दिन अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस इन्वाइट कर रखा था, तो गन वायलेंस के समाधान के बारे में मैंने उनसे कहा कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली प्रॉब्लम है वो है मानव मस्तिष्क की। अगर गन वायलेंस की समस्या का समाधान लाना है, जो कि इस समय अमेरिका की बहुत ही प्रखर समस्या है, वो वहाँ की
आए दिन गन वायलेंस की घटनाएं होती रहती है। तो मैंने कहा कि आप प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कीजिए, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस कीजिए, तभी उसका स्थायी समाधान मिल सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के द्वारा जो आपको अवार्ड मिला, अमेरिकन प्रेसिडेंट से जो अवार्ड मिला है, तो जो बाइडेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ के मैनेजमेंट के लिए क्या कहना? देखिए, अवार्ड मैं तो ये कहूँगा कि संत के लिए संत पुरस्कार और तिरस्कार से परे होता है, लेकिन हाँ ये अवश्य कहूँगा कि जो शुभचिंतक हैं, जो अनुयायी हैं, जो प्रशंसक हैं, निश्चित रूप से उन्हें प्रसन्नता होती है और जब कार्य का मूल्यांकन होता है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान है, ये भगवान महावीर के अहिंसा दर्शन का सम्मान है, जैन सिद्धांतों का सम्मान है, भारत की महान आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है। तो मैं उसी रूप में लेता हूँ और अमरीकी राष्ट्रपति को तो मैं धन्यवाद इसलिए कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्य का मूल्यांकन किया हमारे पीस एजुकेशन के कार्यक्रम का। और वर्षों से मैं सन 2007 से निरंतर यात्राएं करता हूं, और खासकर कोविड काल के बाद में अमेरिकी बच्चे जब डिप्रेशन के शिकार हुए, तो उससे निजात दिलाने में हमारी भारत की महान विरासत, ज्ञान, योग आदि को मैंने माध्यम बनाया। और मैं कहना चाहूँगा कि आज शारीरिक बीमारियों से ज़्यादा साइकोसोमेटिक डिजीज है, मनोकायिक बीमारियां हैं, और मेडिसिन उसका समाधान नहीं है, मेडिटेशन में समाधान है। तो मैं तो स्टार सवेरा के माध्यम से दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, आइए हम उस भारत की महान विरासत को, और मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड काल के बाद में वेलनेस एक बड़ा उद्योग बन गया है। विदेशों के अंदर ध्यान, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, इन सारी विधाओं के प्रति नया आकर्षण पैदा हुआ है, हमारी जैन जीवन शैली के प्रति। आजकल वहाँ एक नया उपवास चल पड़ा है, 14 घंटे का ब्रेक देते हैं। मैं आपसे कहूँ, ये जैन परंपरा की नौकारसी फौरसी क्या है? आज मेडिकल साइंस कहता है कि सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। जैन परंपरा में हजारों वर्षों से ये विधान चला आ रहा है ना? तो आज हमारी जो भारतीय जीवन शैली है, भारतीय संस्कृति का ये मूल्य है, उनके प्रति नया आकर्षण पैदा हुआ है। सैकड़ों हजारों गोरे वीगन बनते जा रहे हैं। आप वीगन रेस्टोरेंट में जाइए, अधिकांश आपको गोरे वहाँ पर मिलेंगे। तो ये हमारी जो महान विरासत है, ये पूरे विश्व के लिए हितकर और कल्याणकारी है, आइए हम सब मिलकर के उसको दुनिया में पहुँचाएं। कहा जाए, जिस तरीके से आपको अमेरिका में जो अवार्ड मिला है, वो एक तरीके से हिस्ट्री क्रिएट की है। इंडियन मॉन्क्स में कहा जाए, आप पहले मॉन्क हैं जिनको कहा जाए कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है। तो ये कहा जाए, ये बहुत ही गर्व की बात है बतौर इंडियन होना, कि जिस तरीके से सम्मान मिला है। मैं आपसे जानना चाहूँगा गुरु जी, आप लगातार यात्राओं में रहते हैं, कहा जाए पीस का जो संदेश देने के लिए देश दुनिया में दिन रात चलते हैं, क्या कभी थकान होती है? कभी लगता है कि भाई इतना लंबा सफ़र है, हर दिन मैं जा रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा हूँ, लोगों से अपनी बात कह रहा हूँ, कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहले तो आप जो बार बार अवार्ड की बात कह रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि इस अवार्ड से और जिम्मेदारी बढ़ गई है। जब हमारे पे कोई भरोसा करता है, विश्वास करता है, ये अवार्ड अपने आप में विश्वास और भरोसे के प्रतीक है, ऐसे के अंदर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और थकान का जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज भी मैं 18-20 घंटे कार्य करता हूँ, और जब रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य होता है तो थकान नहीं आती, और बल्कि उससे अधिक उत्साह का और ऊर्जा का संवर्धन होता है। तो अभी तो प्रभु की कृपा बनी हुई है, और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु की कृपा ऐसी ही बनी रहेगी, जिससे हम और अधिक कार्य कर पाएँ और इन चीज़ों को हम आगे लेकर के जा सकें। दूसरे में आपने जो कहा, ये अच्छाई और बुराई हर युग में रही है। इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज कृष्ण, भगवान महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, अनेक विवेकानंद महापुरुष हुए। आज वो सूर्य महासूर्य थे, उनकी अनुपस्थिति में हम दिया बनकर के टिमटिमाते रहे। ये अच्छाई और बुराई का संघर्ष निरंतर चलता है। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि अच्छाई का पलड़ा भारी रहे,
अच्छी ताकतों को हम संगठित करें तो उस महासूर्य की अनुपस्थिति में ये दिए और तूफान की लड़ाई में, क्योंकि आज हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के सामने जो अब संस्कृति का जो तूफान है उससे बचाए रखना उसको, तो उसके लिए निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। तो हमारा कार्य है कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान हैं, हम कर्तव्य भावना से कार्य करते रहें, हमारा दिशा सही होनी चाहिए। और बाकी मैंने पहले भी कहा कि अच्छाई बुराई हर युग में रहती है, मैं कोई ये दावा नहीं करता कि पूरी दुनिया की तमाम बुराइयों को मैं खत्म कर लूँगा, पर हाँ हमें मानव जन्म मिला है उसको हम लिविंग विद पर्पज, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, और उसी के कारण से आज जो वर्ल्ड पीस सेंटर का निर्माण हो रहा है जिसका इसी वर्ष उद्घाटन होना है, उसके पीछे भी एक ही लक्ष्य है, ध्येय है कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण का वो केंद्र बने, उसका कारखाना बने। तो हमारा जो कर्तव्य वो ये है कि मानव जीवन केवल तेल लून और लकड़ी के चक्कर में उसे जाया ना करें, उसको सार्थक बनाएं, उसको उद्देश्यपूर्ण बनाएं, और इसलिए उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं जब सफलता मिलती है तो और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, थकान का कोई प्रश्न नहीं होता। तरीके से हमने देखा कि आप शिकागो गए थे, शिकागो की जो कहा जाए कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि शिकागो में कहा जाए स्वामी विवेकानंद जी ने जो वहाँ से संदेश दिया था, कहा जाए पूरे देश दुनिया में जिस तरीके से स्वामी जी का नाम हुआ, आप ऐसी जगह जाते हैं, ऐसी ज़मीन पे जाते हैं, तो क्या आपने महसूस किया, क्या पाया कि भारतीयों के प्रति वहाँ के लोगों का क्या नैरेटिव है? देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में उन्होंने प्रथम विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था, और उस समय भी अमेरी जैन समाज से भी वीरचंद राघव जी गांधी ने प्रतिनिधित्व किया था। और मेरा ये सौभाग्य है कि संयोग से पिछले वर्ष शिकागो में ही विश्व धर्म संसद का आयोजन था, और इस बार धर्म संसद ने मुझे ओपनिंग सेशन का स्पीकर बनाया था। तो वो महान विरासत जो हमारी है, तो मैं तो स्टार सवेरा के माध्यम से दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, आइए हम उस भारत की महान विरासत को, और मैं बताना चाहता हूं कि कोविड काल के बाद में वेलनेस एक बड़ा उद्योग बन गया, विदेशों के अंदर ध्यान, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, इन सारी विधाओं के प्रति नया आकर्षण पैदा हुआ, हमारी जैन जीवन शैली के प्रति। आजकल वहां एक नया उपवास चल पड़ा है, 14 घंटे का ब्रेक देते हैं। भारतीय जीवन शैली है, भारतीय संस्कृति का जो मूल्य है उनके प्रति नया आकर्षण पैदा हुआ है, सैकड़ों हजारों गोरे वीगन बनते जा रहे हैं। आप वीगन रेस्टोरेंट में जाइए, अधिकांश आपको गोरे वहां पर मिले। ये हमारी जो महान विरासत है, ये पूरे विश्व के लिए विचार और कल्याणकारी है, आइए हम सब मिलकर के उसको दुनिया में पहुंचाएं। कहा जाए जिस तरीके से आपको जो अवार्ड मिला है वो एक तरीके से हिस्ट्री क्रिएट हुआ, इंडियन मॉम्स में कहा जाए पहले मॉम है जिनको कहा जाए ये अमेरिकन प्रेसिडेंट, कहा जाए बहुत ही गर्व की बात है इंडिया का कि जिस तरीके से सम्मान मिला है। मैं जानना चाहूँगा आप लगातार यात्राओं में कहा जाए पीस का जो संदेश देने के देश दुनिया में दिन रात चलते हैं, क्या कभी थकान होती है, कभी लगता है भाई इतना लंबा सफर है, हर दिन में जा रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा हूँ, कैसा लगता है? देखिए सबसे पहले तो आप जो बार बार अवार्ड की बात कह रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि इस अवार्ड से और जिम्मेदारी बढ़ गई। जब हमारे पे कोई भरोसा करता है, विश्वास करता है, ये अवार्ड अपने आप में विश्वास और भरोसे के प्रतीक है, ऐसे के अंदर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और थकान का जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज भी मैं 18-20 घंटे कार्य करता हूँ, और जब रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य होता है तो थकान नहीं आती, और बल्कि उससे अधिक उत्साह का और ऊर्जा का संवर्धन होता है। तो अभी तो प्रभु की कृपा बनी हुई है, और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु की कृपा ऐसी ही बनी रहेगी जिससे हम और अधिक कार्य कर पाए और इन चीजों को आगे लेकर के जा सकें। दूसरे में आपने जो कहा ये अच्छाई और बुराई हर युग में रही,
इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगिराज कृष्ण, भगवान महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, अनेक विवेकानंद महापुरुष हुए। आज वो सूर्य महासूर्य थे, उनकी अनुपस्थिति में हम दिया बनकर के टिमटिमाते हैं। ये अच्छाई और बुराई का संघर्ष निरंतर चलता है। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि अच्छाई का पलड़ा भारी नहीं, अच्छी ताकतों को हम संगठित करें। तो उस महासूर्य की अनुपस्थिति में ये दी और तूफान की लड़ाई में, क्योंकि आज हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के सामने जो अपसंस्कृति का जो तूफान है उससे बचाए रखना, उसको उसके लिए निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। हमारा कार्य है कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, हम कर्तव्य भावना से कार्य करते रहे, हमारा दिशा सही होनी चाहिए। और बाकी मैंने पहले भी कहा कि अच्छाई बुराई हर युग में रहती है। मैं कोई ये दावा नहीं करता कि पूरी दुनिया की तमाम बुराइयों को मैं खत्म करूंगा, पर हाँ, हमें मानव जन्म मिला है उसको हम लिविंग विद पर्पस, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, और उसी के कारण से आज वर्ल्ड पीस सेंटर का निर्माण हो रहा है जिसका इसी वर्ष उद्घाटन हो रहा है। उसके पीछे भी एक ही लक्ष्य ध्येय है कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण का वो केंद्र बने, उसका कारखाना बने। तो हमारा कर्तव्य वो ये है कि मानव जीवन केवल तेल, लून और लकड़ी के चक्कर में उसे जाया ना करे, उसको सार्थक बनाए, उसको उद्देश्यपूर्ण बनाए। और इसलिए उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं जब सफलता मिलती है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, थकान का कोई प्रश्न नहीं। अभी जिस तरीके से हमने देखा कि आप शिकागो में शिकागो कहा जाए कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो शिकागो में कहा जाए स्वामी विवेकानंद जी ने जो वहाँ से संदेश दिया था पूरे देश दुनिया में जिस तरीके से स्वामी जी का नाम है, आप ऐसी जगह जा रहे हैं ऐसी जगह, तो क्या आपने महसूस किया, क्या पाया कि वहाँ के लोगों का? देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में उन्होंने प्रथम विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था, और उस समय भी अमेरिकी जैन समाज से भी बीरचंद राघव जी गांधी ने प्रतिनिधित्व किया। और मेरा ये सौभाग्य है कि संयोग से पिछले वर्ष शिकागो में ही विश्व धर्म संसद का आयोजन था। इस बार धर्म संसद ने मुझे ओपनिंग सेशन का स्पीकर बनाया था। तो वो महान विरासत जो हमारी है उसको आगे बढ़ाए, और मूल इस समय दुनिया के जो हालात है, धार्मिक असहिष्णुता का जो माहौल है पूरी दुनिया में, उस माहौल में अंतर धार्मिक संवाद का बहुत बड़ा बल है। तो विश्व धर्म संसद के उस मंच पर करीब करीब उसके अंदर 80 देशों के 10,000 लोग उपस्थित होते हैं, विचारों के आदान प्रदान का अवसर होता है। और मेरा तो ये मानना है कि युद्ध, हिंसा, आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि यूएन जैसी संस्था भी इतने दिनों से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रखर भूमिका निभा नहीं पाया, ये निराशाजनक बात है। और मैंने जो विश्व शांति केंद्र के निर्माण का ध्येय बनाया है, या कि बात अमेरिका के अंदर उसका ध्येय है कि दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो तो संवाद के द्वारा हम उस समस्या के समाधान के लिए भूमिका अदा करें। और इसीलिए हम दुनिया के 200 देशों में पीस एम्बेसडर खड़े करने जा रहे हैं विश्व शांति केंद्र के माध्यम से। वो पीस एम्बेसडर जो है भूमिका निभाएंगे, कहीं पर भी आग लगती है बाकी फायर ब्रिगेड अपना काम करे, पुलिस प्रशासन अपना काम करे, पर वो पीस एम्बेसडर जो है हमारे यहाँ जैसे कहते हैं पानी आने से पहले पाल बांध, अरे भला युद्ध के बाद में क्या होता है, आखिर में बातचीत के टेबल पे आते हैं, तो भला पहले ही बातचीत के टेबल पे क्यों ना आए। तो विश्व शांति केंद्र इस दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगा, और इसलिए दुनिया भर में उसके प्रति बहुत ही उत्सुकता है। और मैं स्टार सवेरा के माध्यम से आज रेस उद्घाटन कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसी वर्ष उसका उद्घाटन होने जा रहा है, थोड़े ही दिनों में आपको तारीख का भी पता लगेगा, लेकिन इस वर्ष उसका उद्घाटन। आज के
देखिए, युवाओं का स्थान मेरी नजर में जो स्थान शरीर में स्पाइनल कॉर्ड का होता है, मेरुदंड का होता है, रीढ़ की हड्डी का होता है, अगर शरीर में मेरुदंड अगर अस्वस्थ हो जाए स्पाइनल कॉर्ड, तो पूरा शरीर जो खड़ा जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे समाज में युवा जो है उनका स्वस्थ होना स्वस्थ मानसिकता के साथ बहुत जरूरी है। और मैं तो युवाओं से बहुत ही आशावान हूं, बल्कि मैं कहता हूं अनेक बार मंचों पर कि सन 2030 तक भारत जो आर्थिक महाशक्ति बनेगा उसमें बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की। तो उन युवाओं से अब हर वस्तु का उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। मोबाइल हो उसके अनेक फायदे हैं संचार क्रांति के युग में, किंतु अत्यधिक समय उस पर जाया करता फालतू की चीजों में, तो वह उसका दुरुपयोग हो जाता है। मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा हमारी युवा शक्ति से कि समय बहुत कीमती होता है, हर पल को सार्थक बनाए, हर पल का सदुपयोग करें और इन चीजों का सदुपयोग जरूर करें, दुरुपयोग हो जाता है। अब चाकू है उससे आप किसी का गला भी काट सकते हो और ऑपरेशन के अंदर किसी को जीवन दान देने में भी उसका उपयोग होता है, तो ये हमारे पे डिपेंड है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं विवेक के कुंभ मांगी, विवेक की चेतना का जागरण। मैं तो अभिभावकों से अपील करना चाहूंगा कि वो प्रारंभ में बच्चों पर समय नियोजित करें। आप उन्हें कितने मिलियन ट्रिलियन डॉलर देके जाएंगे, संपदा देके जाएंगे, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आप उन्हें कैसे संस्कार देके जा रहे हैं, क्योंकि संस्कारों की संपदा है उत्कृष्ट मूल्य, धन में लोग संसार का रखता है क्या मूल्य। मेरे कुछ गुरुदेव का श्लोक है, प्राचीन समय में हमारे यहाँ कहा गया है पूत कपूता क्यों धन संचय, और ये भी कहा कि पूत सपूता क्यों धन संचय। तो संस्कार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अभिभावकों को प्रारंभ से बच्चों पर समय का नियोजन करना चाहिए, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए, और बचपन में जो संस्कार पढ़ते हैं वो ता उम्र काम आते हैं, जीवन भर काम आते हैं। ऐसे के अंदर हम विज्ञान का विज्ञान और अध्यात्म मेरी नजर में एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। हम विज्ञान की आविष्कार की चीजों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। अब मेरी बात मैं आपसे कहूं, मैं जब दीक्षित हुआ मैंने पैदल पद यात्रा स्वीकार की थी, मैं सन 1983 में दीक्षित हुआ, 22 वर्षों तक मैं करीब 21,000 किलोमीटर पैदल यात्राएं मैंने की है। लेकिन समय के साथ मेरे मन में एक कष्ट, एक पीड़ा, एक वेदना ये उठने लगी कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन है, वो धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल गया। महावीर का दर्शन जबकि साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, फिर भी वो एक सीमित दायरे में रह गया। और उस पीड़ा से मैंने वाहन विहार को एक्सेप्ट किया और आज मैं आपके साथ में उधर हूं। अगर मैं वाहन विहार एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित नहीं कर पाता, मैं लंदन पार्लियामेंट में महावीर जयंती का आयोजन का संदेश नहीं दे पाता, मैं पार्लियामेंट ऑफ ऑन्टारियो कनाडा हो या सीनेट और असेंबली कैलिफोर्निया, ये कब संभव हो पाया? वो तभी संभव हो पाया है विज्ञान का सदुपयोग किया, हाँ दुरुपयोग न करें, ये विवेक की चेतना जागृत हो। हम तो स्वयं दुखी है इस बात से। देखिए हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं परिश्रमी के, मैं तो अपील करना चाहूंगा इसमें भी एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाए, सशक्त तंत्र विकसित किया जाए और ऐसी घटनाओं का वापस पुनरावर्तन ना हो, और बल्कि जो हुई है उसके लिए भी जो दोषी हैं उन्हें ऐसा सबक मिले कि भविष्य में कोई ऐसे करने की जरूरत ना आए, ऐसा अवश्य जरूरी है। अभी आपने ये भी कहा कि विदेश में भारत के प्रति क्या माहौल है, मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इन वर्षों में भारत के प्रति एक सम्मान का भाव बढ़ा है,
एक आदर का भाव बढ़ा है। अब भारत की बात सुनी जाने लगी है, भारतीय मूल्यों को लोग समझने लगे हैं। मैं पहली बार सन 2007 में यात्रा की थी, करीब करीब जो है 17 साल हो गए। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि भारत और भारतीय मूल्यों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। अब हमारा और कर्तव्य दायित्व बनता है उस महान विरासत को हम अच्छे ढंग से आगे ले सकते हैं। देखिए, मैं मोदी जी वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, देश का। और देश को जब विजनरी नेतृत्व मिलता है तो देश आगे बढ़ता है। किसी भी समाज या देश को जब विजनरी नेतृत्व मिलता है तो देश और समाज आगे बढ़ता है। हम सभी देश का गौरव कैसे बढ़े, देश का सम्मान कैसे बढ़े, हम सबसे पहले भारतीय है ये भाव हमारे भीतर रहना चाहिए। और हम सबको मिलकर के हमारी भारत सरकार कैसे सफल हो, किस दल की सरकार है। मैं तो एक संत हूँ, दलगत राजनीति से परे हूँ, मैं कभी दलगत राजनीति से नहीं जुड़ा हूँ। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी मेरे देश की सरकार है वह सरकार देश के मूल्यों को लेकर के आगे जाए, देश का गौरव बढ़ाए, वो सफल बने, इसलिए मैं उनके सफलता की कामना करता हूँ। इस बार प्रतिपक्ष भी मजबूत होकर के उभर के आया, और देश में प्रतिपक्ष भी मजबूत होना ही चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जो है एक पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष होता है, तो प्रतिपक्ष का भी अपना मूल्य है। तो इन दोनों को मिलकर के दलगत राजनीति चुनाव के समय अपनी जगह ठीक है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने में सबको मिलकर के कार्य करना चाहिए। भूमि पूजन में भी गया था, लोकार्पण करके आया हूँ और उद्घाटन में भी, मगर महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है कि हम जिस भी फील्ड में, देखिए समाज हम सब देख रहे हैं देश दुनिया में, शिकागो की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, वाशिंगटन डीसी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हर जगह हर पार्लियामेंट में आपको सम्मान मिलता है। तो क्यों ना अगर हमारे देश में ही अगर आप इस महान हस्ती के लिए अगर कहा जाए, आप इस महान संत के लिए कहा जाए कि अगर ऐसा कोई मौका मिले तो युवाओं के लिए, देश के जो हर वर्ग का जो व्यक्ति है उसकी कितनी मदद। देखिए आप इस सम्मान की बात करते हैं, सम्मान तो हर फील्ड में होता है, और मैं समझता हूँ एक संत सम्मान और तिरस्कार से मैंने पहले भी कहा वो परे होता है, इससे ऊपर होता है, उसके लिए वो मूल्यवान नहीं है। और जिस भौतिक सम्मान की बात करते हैं तो मैं तो समझता नहीं कि उससे कोई सम्मान बढ़ता है। मैं आपको एक उदाहरण दो, हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी थे, अडवाणी जी उनके चरण स्पर्श करते थे, और जिस दिन वो राजनीति में आ गए, वो गृह राज्य मंत्री बने, तो वो अडवाणी जी को वो सलाम करते थे। तो आप किसे जो है सम्मान कहोगे, किसको जो है अवमूल्यन कहोगे, मैं ये विरोध में मैंने बात कही, मैं इतना ही कहूँगा मैं जिस भूमिका में हूँ उस भूमिका में मैं बहुत संतुष्ट हूँ और अच्छा कार्य हो पा रहा है, मुझे समाज का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, और उस सहयोग के कारण से आज विश्व कांति शांति केंद्र भारत का पहला बनकर के तैयार खड़ा हो गया है। आइए हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाए। जी हम जहाँ नहीं खड़े हैं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने धरातल पर जहाँ कहीं खड़ा है वो ये आत्मावलोकन करे कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, जिस भूमिका में हूँ वहां से मैं देश को क्या दे सकता हूँ। तो मैं एक संत की भूमिका में हूँ और मैं एक संत सच्चा और अच्छा संत बनकर की भूमिका निरंतर निभाता रहूं, मैं उतनी कामना करता हूँ। देखिए सतत विकास ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय है, लेकिन मैं विकास के संदर्भ में ये कहूंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में विकास के केंद्र में चेतना हुआ करती है।
और पदार्थ सदैव परिधि में रहा, केंद्र में नहीं रहा। आज कठिनाई क्या हो रही है, पदार्थ केंद्र में आ रहा है और चेतना को हम खोजने से भी मिलने मुश्किल। और यही कारण है, आप देखिए हमारी संस्कृति में उपनिषद में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ काम धर्म और मोक्ष, इन चारों में जब संतुलन होता है तब हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है। और जब जब व्यक्ति धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगाता है तब विकृतियां उत्पन्न होती है समाज के अंदर। अब हमारी संस्कृति के तमाम ग्रंथ, चाहे उपनिषद है चाहे आप भगवद गीता जी को पढ़िए, गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण है यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति भद्रम है। लोकमान्य तिलक जी ने उसकी टीका लिखते हुए लीक से हत्या किया, उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि अध्यात्म और भौतिकता के बीच में जहां संतुलन है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है, वहीं पर लक्ष्मी। यही बात भगवान महावीर है, उन्होंने 5 महाव्रत और 12 अनुव्रत का विधान किया। मैं इतना ही कहूंगा कि धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं है, किंतु विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तब वो जीवन में वरदान बनता है, और नींव अध्यात्म की नहीं होती है तो कभी कभी विकास तो हो जाता है वो वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों के संघर्ष के बाद कितने कितने लोगों ने बलिदान किया, वो सपना साकार हुआ है। मैं तो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां पर उपस्थित था, कई दिन पूर्व से ही वहां पर उपस्थित हो गए। तो ये अपने आप के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो गुण थे, जो मर्यादा, जो अनुशासन, जो संयम, जो त्याग, जो बड़ों का सम्मान, उन मूल्यों को हम आगे बढ़ाए। ये छोटी मोटी बातों का पतंगड़ बना करके मैं नहीं समझता किससे कोई भारत का गौरव बढ़ा रहा है। ये कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी कोई नया निर्माण हुआ छत टपक सकती है, मैं ये नहीं कह सकता है ना। हाँ, नहीं होना चाहिए, पर ये मानवीय प्रक्रियाओं के अंदर जल्दबाजी में अगर ऐसा हो तो उसको सुधार लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि हम सबको मिलकर के वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मूल्य है उनको विश्वभर में फैलाए। और मीडिया से भी अपील करूंगा कि वो सकारात्मक चीजों को, पॉजिटिव चीजों को दुनिया के सामने लाए जिससे कि लोगों को प्रेरणा हो। नहीं, मैं जैसे मेरा इस वर्ष का पर्युषण महापर्व जो हमारा खास जैनों का सबसे बड़ा पर्व होता है वो पहले से दुबई में निर्धारित है, आगामी भविष्य में वो है। बाकी इस समय हमारा सारा फोकस जो है वो विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह पर फोकस है। तो वो हम अच्छे ढंग से, क्योंकि उस समय देश और दुनिया से लोग आने वाले हैं और यहाँ से दुनिया में संदेश जाने वाला है, इस विश्व शांति केंद्र के माध्यम से वसुदेव कुटुंबकम का संदेश, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का संदेश, हमारी भारत की इस महान धरती पर जितने भी महापुरुष हुए हैं, भगवान राम, बुद्ध, महावीर, इन सब का संदेश वहां से प्रसारित होगा और दुनिया लाभान्वित हो। वहां पर बच्चों के संस्कार निर्माण के लिए, युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के निर्माण के लिए पीस एजुकेशन के कार्यक्रम, पीस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर वुमन, फॉर टीचर, फॉर इंजीनियर, फॉर फार्मर, हर किसी के लिए उपयोगी होंगे। तो हम उस दिशा के अंदर कैसे अच्छे ढंग से आगे बढ़े और पूरी दुनिया मानव जाति से लाभान्वित हो, तो अभी हमारा मुख्य ध्येय और कार्यक्रम होगा। मैं स्टार सवेरा परिवार को इस बात के लिए पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्टार सवेरा परिवार मैंने देखा है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में चाहे प्रिंट मीडिया के फील्ड में सकारात्मक चीजों को काफी आगे फैलाता है। तो
और मेरा ये मानना है कि देखिए एक संत में अगर वो गुलाब का फूल है, लेकिन पत्रकार हवा का काम करते हैं, फूल को अगर हवा का साथ मिलता है तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है। और स्टार सवेरा परिवार जो है इस दृष्टि से काफी अच्छा कार्य कर रहा है, इसलिए मैं उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उसके और अधिक गति प्रगति विकास करे उसके लिए मैं मंगल भाव करता हूँ। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।